कटनी में एक वीर जवान जो देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया, जिसे देशभक्ति और शहीद का दर्जा प्राप्त होता है, उसके पिता आज कटनी कलेक्ट्रेट में पिछले 17 वर्ष से अपनी संपत्ति पाने न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय प्रणाली ने उसे आज तक न्याय नहीं दिलाया। पूरा मामला कटनी जिले के विजय राघवगढ़ तहसील ग्राम कलहेरा का है, जहां शहीद सैनिक की संपत्ति पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। शहीद के पिता ने बताया कि वह कई सालों से अपनी जमीन को मुक्त कराने न्याय के लिए भटक रहा है। बालक मेरा भारत देश की सेवा 20 वर्ष किया, बॉर्डर पर गोली लगी, गोली लगने के बाद वो पेंशन आया, पेंशन आने के बाद गांव से वो 35 किलोमीटर दूर रहता है किराया के मकान में, मेरी पैतृक जमीन है उसमें, असल लोग कब्जा किए हुए, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं, यादव लोग, बाहुबली लोग कब्जा करा रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कहां की? राष्ट्र मानव आयोग को लिखित में आवेदन दिया, उनके द्वारा राज्य मानव आयोग को भेजा गया, राज्य मानव आयोग के द्वारा कलेक्टर कमिश्नर को भेजा गया। कितनी जमीन है? जमीन है 12 एकड़, लेकिन गांव से लगी हुई जमीन। कितना समय हो गया कब्जा किए? ये 17 साल से मैं भटक रहा हूँ, अभी तो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, फाइलें घुमा दी है न्यायालय से मेरी। कौन से न्यायालय से फाइल घुमाई? तहसील न्यायालय से, इसमें स्पष्ट लिखा है। तो ये किसने घुमाई, किसके समय पर घूमी थी ये घूमी है 18/8/2010 में, अभी तक नहीं मिली। नहीं, उसका ये लेख दे दिए ना क्या कि दुरुस्त के लिए भेजा गया था तहसील न्यायालय, दायरा पंजी में रजिस्टर में दर्ज है। हाँ, तहसील न्यायालय में आदेश का पालन नहीं किया गया है, फाइल घुमा दी गई है।